आए हैं इसके बारे में? आज मुझे ढेर सारे अवार्ड मिले हैं, पहले भी ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथ से, बी आर चोपड़ा जी के हाथ से मुझे बहुत सारे, लेकिन पहला अवार्ड या ऐसा है जो लुक लाइक के लिए मिल रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे परम मित्र, हमारे दोस्त आरिफ खान जी ने, तो मैं बहुत खुश हूँ कि यार ऐसा अवार्ड भी शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये भी सब एक्टर ही हैं, लुक लाइक भी जो है वो एक्टर ही हैं, तो आप प्लीज़ उनको एक्टर ही समझिए, क्योंकि ये भी वैसे इतना ही अच्छा काम करते हैं जितने सीनियर लोग करते हैं। हम लोग उल्टा सीनियर को ज़िंदा रखते हैं। आज देवानंद साहब जिंदा हैं, राजेश खन्ना जी जिंदा हैं, ये लोग कभी मर नहीं सकते हैं, शमी कपूर, इनको ज़िंदा रखना, इनके नक्शे कदम पर चलना, ये हम लोगों का काम है। वो अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ से आपको सबसे विनती करता हूँ कि लुक लाइक को सिर्फ लुक लाइक न समझें, उन्हें एक्टर समझें। थैंक यू। दिल का दर्द किसी को दिखा ना सका, दिल का दर्द किसी को दिखा ना सका, दिल की बात होंठों पे ला ना सका, किए थे जवानी में लड़कियों पे जो खर्चे, बिल उसके बुढ़ापे तक चुका ना सका, और मेरे मरने के बाद मुझे ज़मीन में दफना देना, मेरे मरने के बाद मुझे ज़मीन में दफना देना, जब भी मांगूं दो घूंट पिला देना, मैं तुमसे ताजमहल नहीं चाहता दोस्तों, बस मेरी कब्र पर एक गर्ल्स हॉस्टल बनवा देना। थैंक यू। सभी दर्शकों को, देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं रईस शाह जूनियर शशि कपूर आज आपके बीच इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया आरिफ खान जूनियर अली कपूर जी ने। बहुत बड़ी हिम्मत की उन्होंने, जो बॉलीवुड में पहली बार लुक लाइक अवार्ड होने जा रहा है, इसने मुझे मौका दिया, इसके लिए मेरी बड़ी खुशनसीबी है। और मैं आज इस बॉलीवुड में सन 80 से जुड़ा हूँ। कादर खान साहब की पिक्चर की थी मैंने शमा, चाल आर्टिस से रोल किया था मैंने, उसके बाद काफ़ी मूवी किए, सोनी टीवी पे शायद आप लोगों ने देखा होगा, बोगी बोगी में जज बन के आया, दो बार बिना रहा, ऐसे कई चैनल मैंने किए हैं। आज बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि आज 18 मार्च है और आज हमारे बीच शशि कपूर जी नहीं रहे, मेरे गुरु समान, मेरे आदर्श वही थे, आज उनका बर्थडे भी है। मैं विश करता हूँ, आज उनका जन्मदिन था शशि कपूर जी का, तो मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से कि इस प्रोग्राम को आप लोग सफल बनाएँ और आगे बढ़ते रहें। कि हकीकत प्यार के जिस दिन वो सालिम जान जाएगी, अरे हकीकत प्यार के जिस दिन वो सालिम जान जाएगी, और मेरा दावा यारों हसीना मान जाएगी। नमक हलाल में परिमा चिल्लाती हैं, मैं राज साहब को मरने नहीं दूंगी। अजीत तुम्हारे माथे पसीना किसके होने की बात करें थी, हमारे जी, हमारी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में, हार करने वाले मुझसे नहीं करते हैं। अर्जुन सिंह हम बहुत खुश हैं। अरे जी ना, चुस्त ने पेश किया जवाब नहीं। अर्जुन सिंह आज से इस होटल के मालिक हम नहीं, तुम रहोगे। गुड बाय। सर क्या कहना चाहेंगे, लुक लाइक अवार्ड पहली बार होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में, कितना एक्साइटेड है और आपने क्या सोचा? बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, लुक लाइक अवार्ड पहली बार होने जा रहा है, इनिशिएटिव आपने लिया है, क्या कहेंगे इस बारे में?
सही मानों में ये हम लुकल लाइक लोगों की, जितने भी हमारे लुकल लाइक भाई है, उन सब की आज ईद भी है, दिवाली भी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुड़ी पाड़वा का ये मतलब नया साल है, और इस अवसर पर हम कर रहे हैं, इसके लिए और भी ये एक बहुत अहम बात हो जाती है। और लुकल लाइक भाई जो हमारे हैं, इनको आज तक के पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला। मामूली जूनियर लोग जो पीछे रहते हैं पब्लिक में, मतलब शूटिंग में पीछे खड़े रहते हैं जो जूनियर आर्टिस्ट, उनकी भी संस्था है, हमारी कोई संस्था नहीं है। हम पर ये लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है कम से कम 125 लोगों की क्वांटिटी है, तो इसमें अभी तक के किसी ने हमको अप्रिशिएट करते हैं, लोग काम लेते हैं, पैसा देते थे, उसके बाद में भूल जाते हैं, तारीफ भी करते हैं हमारे कला की, हमारे नेचर की, हमारी सारी बात की। तो बस ये चाहूँ, आप आइए, आप आइए, थोड़ा सा ये आपा है मेरी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और कुमकुम भाग्य विविध, कुमकुम भाग्य की ये इंदु दादी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम जो ये अवार्ड कर रहे हैं, तो ये मेरा अपना सपना था कि मेरे लुकल लाइक भाई की टैलेंट को मैं उजागर करूं, और कितने लोग हैं अभी तक आपको भी नहीं पता होगा, इट्स माय चैलेंज। आपको ये पता नहीं कि हमारे दुनिया में कितने लोग हैं, मतलब लुकल लाइक की दुनिया में कितने लोग हैं, ये किसी को पता नहीं। और मैंने इनको चुन चुन करके निकाला, छाट छाट करके निकाला इन सभी भाइयों को, और आज सबको पता चल जाएगा कि हमारे लोग भी किसी से कम नहीं है, और टैलेंट हमारे जितने भी कलाकार हैं उनका टैलेंट सामने आएगा, और ज़माना देखेगा, और उसके बाद अप्रिशिएट भी करेगा। और आप लोग आज, आप लोगों का जो एंटरटेनमेंट हम करने वाले हैं, मैं नहीं समझता कि इससे पहले आपका कोई एंटरटेनमेंट हुआ होगा, ये मेरा चैलेंज है आपको। आप जो बात बोल रहा हूँ उसको सुन, अरे जूनियर भाई भाई जोरदार ताली हो जाए सर हमारे जूनियर भाई के लिए। और दोस्तों ये हमारे जूनियर की शुरुआत जो हुई है जूनियर भाई से हुई है, और मैं समझता हूँ कि इनको जहन में रखकर ही ये अवार्ड हो रहा है। मेरी ख्वाहिश थी कि जूनियर भाई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। इंडस्ट्री का दोगला पद तो आपको पता है, इंडस्ट्री ने क्या दिया है, चढ़ते सूरज को सब पूछते हैं, लेकिन जो जूनियर भाई ने काम किया है इंडस्ट्री में, आप सब जानते हैं, न्यू जनरेशन नहीं जानती थी, इसलिए मैंने उनको उजागर करने की कोशिश किया। जितने ऑटोग्राफ राजेश खन्ना साहब के लिए जाते थे, जितने फोटोग्राफ उनके साथ होते थे, उतने ही ऑटोग्राफ जूनियर भाई के साथ भी लिए जाते थे। आन मिलो सजना, उसके बाद में कितनी फिल्में भाई, ब्रह्मचारी, 265 फिल्में ब्रह्मचारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी जी की गोद में बैठा हुआ ये बच्चा है जो आज बड़ा हो गया, जोरदार ताली हो जाए भाई। थैंक यू। और सबसे बड़ी आप क्या कहना चाहोगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, आरिफ भाई ने ये शो किया है, कितनी सम्मान की बात है जो कलाई लोगों के लिए है। जी दरअसल मेरे लिए सम्मान की बात है, इनकी तो मेहनत है इसके पीछे, और मैं सभी का शुक्रगुजार हूं। और बड़ी बात तो ये है कि बहुत छोटे फनकारों ने ये कदम उठाया है, और एक अंदरूनी कैफियत ये भी बोल रही है कि किसी बड़े ने इस बात पर गौर ही नहीं किया होगा, जो कि तकलीफ देगा बात भी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हूँ तो मैं इसी इंडस्ट्री में, और इन सब के साथ हूँ, आप सब के साथ हूँ, और माशाल्लाह 265 फिल्में मैंने की हैं, तो इसी इंडस्ट्री का दिया हुआ है मेरे पास जो कुछ भी है। और मैं आरिफ और इसके साथ में जितने भी इसके सहयोगी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों ने जो इतना टाइम यहाँ निकाल के आए हैं हमारे लिए या इस प्रोग्राम के लिए, इसलिए आप सबका स्पेशली दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी अनिल जी का। हाँ अच्छा, अरे हम गुंडे हैं, बदमाश है, डॉन है, तो क्या हमें अवार्ड नहीं मिलेगा? घुंघरू से डगर मजनू से लेगा पंगा, तो कर दूंगा तुझे नंगा। थैंक यू। लेकिन एक बात याद रखिए,
डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनी, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ, और यार ये सब तो पता है आपको कि ये लुक लाइकों का अवार्ड है, हाँ, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। तो आप लोग से गुजारिश है कि दुआ है कि ये लुक लाइक, मैं भी एक लुक लाइक हूँ शाहरुख भाई का जो 25 साल से करता हूँ, उनके साथ भी काफ़ी किया हुआ है और ये लुक लाइक फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़रा इसकी तारीफ़ करें और हौसला अफजाई करें। कम में ज़्यादा समझा, थैंक यू। हमें हाँ सोल रहा विटी का बोड़ा, मैं सुमर क्या है तेरे बाप का स्कूटर है क्या, किक मारती है? अरे तो डॉन नहीं, डोंकी की लड़की है। हे मेरा माँ, डोंट अंडरस्टिमेंट द काउ, सॉरी। अरे हो गया, पीछे पड़ जाते हैं ना। थैंक यू खान साहब, थैंक यू। अरे हाय, दिस इज प्रशांत वाल्दे, लुक लाइक आप शाहरुख खान। आपने मुझे फैन मूवी में देखा होगा, मैं शाहरुख खान साहब के साथ 11 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने ओम शांति ओम, डॉन, चेन्नई एक्सप्रेस, रईस, डियर जिंदगी, ट्यूबलाइट और अराउंड 300-400 एडवर्टीजमेंट में काम किया है। मैं उनके लॉन्ग शॉट में यूज़ होता हूँ, बॉडी डबल में यूज़ होता हूँ, लाइटिंग के लिए मैं करता हूँ और उनके स्टंट्स भी करता हूँ, डांस करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ। और जो भी हूँ मैं शाहरुख खान साहब की वजह से हूँ। अगर शाहरुख खान साहब नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, वही मेरे इंस्पिरेशन है और वही मेरे गॉडफादर है। ओके, इस अवार्ड के बारे में बताइए, किस तरीके से अवार्ड से जुड़े हुए? ये लुक लाइक अवार्ड नाइट हो रहा है, ये इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहली बार, मैं तो कहना चाहूँगा कि ये आठवां अजूबा है। बिकॉज अवार्ड नाइट जो है बहुत सारे होते रहते हैं, आईफा अवार्ड, देन लक्स अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, बट बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहली बार एक ऐसा अवार्ड नाइट हो रहा है जो है लुक लाइक अवार्ड नाइट। हम सभी लुक लाइक्स है जो ये इसमें परफॉर्म करेंगे और जो डिज़र्व करते हैं इस अवार्ड के लिए उन्हें लुक लाइक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इसका श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर आरिफ खान साहब जो जूनियर अनिल कपूर है। ओके, कोई डायलॉग अगर कोई एक्टिंग करके दिखाएगा? जी हाँ, मैं फैन मूवी का जो है डायलॉग आपके सामने पेश करता हूँ। मैं जो भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, अपने फैंस की वजह से। अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब यही मेरा कलमा है, यही मेरा मसाला, बनिया का दिमाग, मियाँ भाई का डेरी आ रहा। Get on!
हाय, दिस इज प्रशांत वालदे, लुक लाइक अब शाहरुख खान। आपने मुझे फैन मूवी में देखा होगा। जी हाँ, मैं शाहरुख खान साहब के साथ ही काम करता हूँ। और फैन में एक डायलॉग है जिसमें दो कैरेक्टर है, आर्यन खन्ना और गौरव चलना, वो आपके सामने मैं पेश करूँगा, दोनों की आवाज़ें एक साथ। तुमने गलती की है और उसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। मैंने इतना कुछ किया आपके लिए और तुम होते कौन हो मेरे लिए कुछ करने वाले? आपका फैन? फैन हो तो कुछ भी करोगे, किसी को मारोगे, पीटोगे, मर्डर करोगे, वक्त आया तो वो भी कर लूँगा आपके लिए मर्डर। तुम नहीं हो सकते मेरे फैन, ऐसा मत बोलो। आप तक आवाज़ पहुँचाने के लिए सिद्ध कपूर की थोड़ी सी पिटाई क्या कर दी? आप तो नाराज़ी हुए और बदले में चाहा क्या? एक ऑटोग्राफ, दो चार फोटोग्राफ, एक छोटी सी मीटिंग? आपके लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या? मेरी लाइफ है, मेरा टाइम, मैं तुम्हें 5 सेकंड भी क्यों? हाय, नमस्कार, दिस इज खिलाड़ी कुमार हियर एंड वेलकम टू फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी। आप सब यहां पर आ गए हैं, आज हमारा लुक लाइक का अवार्ड शो हो रहा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आर लुक लाइक अवार्ड शो। माई सेल्फ विकल्प मेहता, मेरा नाम विकल्प मेहता है और अक्षय कुमार की स्टाइल में मैं आप सब लोगों को टेलीविज़न पे और शोज़ में एंटरटेन करता हूँ। और आज हमें लुक लाइक्स को, आर्टिस्ट को, सभी को बहुत खुशी है कि इतने बड़े अवार्ड शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है आज पहली बार, एंड वी आर गेटिंग अवार्ड्स फॉर दैट। सारे लुक लाइक्स हैं, बहुत सीनियर भी हैं, बहुत जूनियर भी हैं। इस शो से जो आने वाली जनरेशन है, लोग कहते हैं कि यार किसी की नकल करने में क्या बड़ी बात है, लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि नकल करने में भी अकल की ज़रूरत होती है। एक चेहरा मिलना सिर्फ किस्मत की बात होती है, लेकिन उसके आगे की मेहनत, आज जब ये शाहरुख खान जी का रोल प्ले करते हैं तो वैसा दिखना पड़ता है, वैसा डांस करना पड़ता है, वैसा ही स्ट्रगल करना पड़ता है, ऑडियंस को एंटरटेन करना पड़ता है, डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों थक रहे हो? वैसे तो फैन का डायलॉग तो हमारे प्रशांत ने बोल ही दिया, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो लुक लाइक अवार्ड शो हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, और एक लुक लाइक हो और दूसरा फैन हो, या दूसरा लुक लाइक तीसरा फैन, ये तो चलता रहता है यार। हाँ, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बढ़ने का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग दोनों है मेरे पास। हाँ, हम जिसके पीछे लग जाते हैं उसकी लाइफ बना देते हैं। थैंक यू। सुनील जी, आपने आपका अपना लुक लाइक देखा अभी तक यहाँ पर, आपको दिखाया गया या नहीं? मैं, मेरा तो कोई लुक लाइक नहीं है, लेकिन मैं जितने यहाँ लुक लाइक है सबका फ़ैन हूँ, और ये सब के सब मेरे गुरु हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, और मेरी इन सबको देख कर मैं आज भी बहुत मुझे मैंने बहुत इन्जॉय किया और बहुत कुछ सीखा है। मेरी शुभकामनाएं इनको कि ऐसे ही ये अपने कला गुणों को आगे बढ़ाते रहे और देश और दुनिया का मनोरंजन करते रहे। कितना एंजॉय किया आज के साथ? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। हर लुक लाइक का अपना एक स्टाइल है, हर लुक लाइक अपने ओरिजिनल्स को कॉपी करता है और दुनिया में छोटे छोटे गाँव में जाकर अपने ओरिजिनल को पहुँचाता है, तो मुझे लगता है कि इनके ओरिजिनल भी इनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी इनको अपना जैसे साया समझते हैं, साय की तरह समझते हैं। आपको सबसे ज़्यादा लुक लाइक किसका पसंद आया, मतलब किसकी एक्टिंग या किसके इमिटेशन? वैसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन अनिल कपूर जो है वो ज़्यादा मुझे इसलिए करीब लगे क्योंकि इनके बाल भी घने हैं बिल्कुल असली की तरह, और ये भी वैसी डैशिंग पर्सनैलिटी है, और उनकी आवाज़ और अंदाज बहुत एंटरटेनिंग है, मज़ा आता है। सुनील पाल जी, यूपी में बहुत बड़ी हार हुई है मोदी जी की, इस पर एक कुछ कहना चाहिए आप? बड़ी बड़ी बातें करती थी वो,
नरेंद्र मोदी की तरह, बड़े बड़े वादे करती थी वो नरेंद्र मोदी की तरह, मेरे जीवन से खेल गई वो ललित मोदी की तरह, मुझे लगा था हंसाएगी वो असित मोदी की तरह, पर कमबख्त मेरा सब कुछ लूट कर ले गई वो नीरव मोदी की तरह। ऑल द बेस्ट, भगवान करे ईश्वर करे आपके जीवन में कोई घोटाला ना हो, हमेशा आप हंसते रहे मुस्कुराते रहे। और आप में एक बड़े फनकार हैं, आज बड़े स्क्रीन पे जो आप या मैं सब देखते हैं, हकीकत में देखिए तो दे आर द स्टार्स, और उनको कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म अगर आज तक नहीं मिला दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले दिनों में मैं अभी भी मतलब तारीफ करूँगा आरिफ भाई की, जिन्होंने ये एक मुहिम उठाया है कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए इन फनकारों को। और डेफिनेटली भाई अगर आज हमारे पेरिफेरी में होगा तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि भाई आने वाले दिनों में दे गेट अ मच बेटर बिगर प्लेटफॉर्म। और कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको, किसकी लुक लाइक मतलब मैं देखिए हर इमिटेशन किसकी सबसे ज़्यादा आपको किसकी? हर कोई फनकार अपने आप में पूरा है, अगर वो लुक लाइक नहीं होता तो उसको आज चांस ही नहीं मिलता बॉलीवुड में। तो इट्स क्यों सुनील भाई गलत तो नहीं बोलो भाई, नकल उसी की जाती है जिसमें कोई बात होती है, और नकल करने वाले के पास अकल होती है इसलिए वो नकल कर पाता है। बिल्कुल, तो ये अगर हम शक्ल है तो ओरिजिनल भी कहता है कि हम शक्ल की खा रहे हैं, हकीकत है।